हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी है उसके लिए जो सलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और कितनी एज होनी चाहिए कितनी वैकेंसी है वो सभी बताया था मैंने अभी इसमें बताऊँगी आपको कि सलेबस क्या है ठीक है सो पार्ट ए का सिलेबस डिस्कस करेंगे पार्ट ए में जो है वो सेम रहेगा पीआरटी के लिए टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए और जो पार्ट बी होगा वो तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो इसमें मैं आपको पार्ट ए के बारे में बताऊंगी फर्स्ट इज़ जनरल अवेयरनेस का सलेबस इसमें इंडियन हिस्ट्री आएगी नेशनल मोमेंट्स कंट्री और उसकी कैपिटल्स करंट अफेयर्स जनरल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जनरल पॉलिसीज़ हैं साइंस में इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ अवार्ड एंड ऑनर्स बुक्स एंड ऑथर्स सो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्रिटिकल डेज इंडियन इकोनॉमी, बजट एंड फाइव ईयर प्लान्स एवरीविएशन एंड स्पोर्ट्स इसमें से आपको जो है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आएगा ठीक है सो इंडियन हिस्ट्री के लिए आप जो है उसकी मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री पे और एशियंट और मेडिवियल तीनों को देखना है और इंडियन नेशनल मोमेंट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी पढ़ोगे आप उसमें और मैं भी आपको करवाऊँगी कंट्री और कैपिटल्स भी इंपॉर्टेंट है और जितनी भी करंट अफेयर्स है देखो करंट अफेयर का पोर्सन ना काफ़ी वेटेज रखता है करंट अफेयर में से काफ़ी आता है नेशनल और इंटरनेशनल बूथ तो इसके लिए अच्छा है कि आप डेली थोड़ा-थोड़ा न्यूज़पेपर देखो या फिर आप न्यू आ, आप न्यूज़ेस जो है वो न्यूज़ सुनो तो इससे क्या होगा कि आप आ, आपका इससे टच बनेगा एक तो आपको उसका ज्यादा cram नहीं करना पड़ेगा आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी डे बाय डे और मोस्ट ऑफ द जो है वो क्वेश्चंस है वो करंट में से आते हैं जनरल साइंसिस आपके लिए बहुत इजी रहेगा जिन्होंने साइंस में पी क्लियर किया है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है ये क्योंकि जनरल साइंसिस में इजी क्वेश्चन आते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अगेन आपको न्यूज़पेपर के कंसर्न में रहना है और साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है जनरल पॉलिसीज़ और जितनी भी इन्वेंशन डिस्कवरीज़ हैं जितने अवार्ड ऑनर्स हैं उनका भी आप करंट से जब रिलेट करोगे वो भी आ जाएगा और जो आपका स्टैट जो स्टैटिक ही चल रहा है वो भी बता देंगे बुक्स एंड ऑथर्स सभी अभी कोई अगर न्यू बुक बुक लॉन्च हुई है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वैसे भी जो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स होती हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिश रहेगा नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू एन ठीक है और एशियन ये सभी जो है इंटरनेशनल हमारी या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्वेश्चन बन जाता है लाइक यूएन यूनाइटेड नेशन है उसके बारे में और इसके लिए ना आपको अरिहंत की बुक आती है वह बहुत अच्छी बुक है अरिहंत की ठीक है जीके के लिए और लूसेंट भी अच्छी है आप लूसेंट भी फॉलो कर सकते हो आ, लूसेंट बहुत अच्छी है लूस लूसेंट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप बुक भी मिल जाएगी आप कोई भी बाय कर सकते हो ठीक है और इसमें डेज आपको सारे याद रखने हैं इंडियन इकोनमी आप अगर आप सिर्फ ओवरव्यू लेना चाहते हो तो एक उसी उसकी अरिहंत की जीके की ना वो छोटी एक बुक आती है मे बी थर्टी रुपीज़ की वो बुक आ जाती है सबसे छोटी वाली होती है उसमें से आपको काफ काफ़ी नॉलेज हो जाएगी काफ़ी जो टर्म्स है वो क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो आप वो भी बाई कर सकते हो पहले पढ़ने के लिए उसके उसमें से ये सब क्लियर हो जाना है आपको ठीक है देन है मेंटल एबिलिटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी वाला है ये अर्थमेटिक नंबर सीरीज़ जैसे नंबर सीरीज होती है ना कुछ डिफरेंस दिया होता है वन टू थ्री अब नेक्स्ट क्या आएगा ठीक है ऐसी सीरीज़ लाइक टू फोर सिक्स तो नेक्स्ट क्या आने वाला है ये मैं करवा दूंगी मैं रीजनिंग आपकी शुरू करवाने वाली हूँ बिकॉज ये के वी का भी अगर पेपर आएगा तो उसमें भी सेम रहेगा ठीक है के का जो पेपर होता है ना तो उसके लिए भी ऐसा ही रहता है वो पार्ट ए आपका उसके बाद है वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन फिगर्स की क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल सारी सीरीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग एनालिसिस स्पेस विजुलाइजेशन आता है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंट कोई जजमेंट्स होती हैं उसमें रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट लाइक रिलेशन ब्लड रिलेशनस पे आ जाता है डिस्क्रिमिनेट करना या फिर कोई विजुअल मेमोरी तो इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं इसमें से बहुत सारी कोडिंग डिकोडिंग्स भी आ जाती हैं ठीक है और डायरेक्शन बेसिस भी क्वेश्चन आ जाते हैं वो सारे इसी में कवर होंगे ठीक है वो मैं करवा दूँगी जनरल इंग्लिश सिलेबस जनरल इंग्लिश में आपको फिलिंग का ब्लैंक्स पैरा कंप्लीशन स्पेलिंग टेस्ट पैस कंप्लीशन इसके लिए भी ना एक लूसेंट की बुक आती है जिसमें से ये आपका सारा सिलेबस बहुत इजीली कवर होगा ठीक है इसमें एरर एरर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एरर करेक्शन आ जाती है से, जो सेंटेंस की अरेंजमेंट है ज्वाइनिंग करने या ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए जेंडर ठीक है सो आइडेंटिफाई द एरर एरर का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें टेंसेज की नॉलेज होनी चाहिए प्रापोजिशन सनोनीयम सपोर्टिंग एरर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये तो आपने किए हुए हैं ना एक्टिव पैसिव एडजेक्टिव इनकी आपको एक ओवरव्यू नॉलेज चाहिए और इसके लिए मैंने आपको एक बुक बोली लूसेंट की बुक आती है बहुत अच्छी बुक है वो ठीक है इंग्लिश की है आप उसको फॉलो कर सकते हो ईडियम फ्रेज़िस पे ध्यान रखना है और वर्ड्स और ये सारे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मैथडोलॉजी सिलेबस इसमें आता है आपका नीड एनालिसिस रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स स्ट्रेटजी बेस्ड इंट्रक्श इंट इंस्ट्रक्शन इंग्लिश फॉर स्पेसिफ़िक पर्पस कि इंग्लिश फॉर द स्पेसिफिक पर्पस या फिर इंग्लिश फॉर एकेडमिक्स ऐसे क्लास रूम मैनेजमेंट के लिए शोशो कल्चर थ्योरीज जो, जो होती हैं लैंग्वेज लर्निंग की वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड क्रिटिकल पैडागोजी उसके बाद है मटीरियल डेवलपमेंट सिलेबस इसको मैं थोड़ा डिफाइन करने के लिए बता like ये बता देती हूँ जस्ट लाइक है इसमें आ जाएगा आपका इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग नीड एनालिसिस ये हो गया ठीक है इंग्लिश वो बता दिया शोशो कल्चर थ्योरीज़ आएंगी टेक्नोलॉजीज़ एंड लैंग्वेज टीचिंग टीचिंग एजुकेशन एंड क्रिटिकल पैडागोजी वही सारा रिपीट हो रहा है ठीक है और इसमें थोड़ा आता है कंप्यूटर सीके का जो है बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की ठीक है एवरीविएशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होती है ठीक है सो so, आपका ये भी इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एजुकेशनल कंसेप्ट और मैथडोलॉजी है ना इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके बन जाते हैं ठीक है सो so, इसके लिए तो आप सिलेबस की जैसे आपने सर्च भी इस टॉपिक पे सर्च करके आप मेन वो जो भी टीचिंग आ, की है वो इसके लिए ना आपको जैसे सी में आप आ, वो साइकोलॉजी और पैडागोजी के लिए सॉल्व करते हो ना तो उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है लाइक टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं ठीक है और कौन से मटेरियल मटेरियल्स डेवलपमेंट हैं सिलेबस डिज़ाइनिंग के लिए ये सब आपके बीएड के सिलेबस में होता था ठीक है रिफ्लेक्टिंग लैंग्वेज टीचिंग उसके बारे में इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल सो लैंगज़ पे काफ़ी जो है ना वो कंसनट्रेशन रहती है यहाँ पे तो स्ट्रैटीज बेस्ड इंस्ट्रक्शंस तो क्लासरूम की कैसे मैनेजमेंट ये सारा बहुत इजी होता है आप इसको ऐसे ही सर्च करके भी उसके बारे में पढ़ सकते हो या फिर आप कंसर्न उसकी कोई भी बुक है जो उससे वो जो सिलेबस देख के बी का तो उसमें से भी देख सकते हो ठीक है और इसके लिए मैंने बता दिया आप दूसरी एक बुक फॉलो कर सकते हो लूसेंट uh, की और ये रीज़निंग है रीजनिंग की आपको वैसे भी यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी वो कॉमन जो रीजनिंग चलती है मेंटल एबिलिटी सिलेबस वो ही चलेगी यहाँ पे तो डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं यहाँ पे और इसके लिए मैंने बोल दिया आप सबसे पहले एक छोटी उसकी अरिहंत की बुक बाई कर लो जो जी की आती है बहुत अच्छी है बहुत अच्छे तरह से वो सिलेबस को कवर करती है उसके लिए अगर आपने उसको ज़्यादा बाँस में जाना है तो आप लूसेंट की एम की बुक ले लो वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाती है इन टॉपिक्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है लूसेंट की जो एम सी की उसकी बुक है ना वो वाली ठीक है सो so, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर देखना उससे आपको थोड़ा जजमेंट होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो ईजिली वो हो जाएगा ठीक है अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक एंड कमेंट करके बताना थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो